शिप्रा कहाँ रह गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये स्थूल और इंद्र ने शिप्रा को बंदी क्यों बना लिया? निश्चित ही कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। राजकुमारी जी, शिप्रा तो आपकी सखी है, वो आपको छोड़ के कहाँ जा सकती है भला? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप चिंता ना करें, आप सबसे विदा ले लीजिए, मैं तब तक उसे ढूंढता हूँ। और रही बात आपके प्रिय वस्त्रों की, तो आप निश्चिंत रहिए, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। आपके माथे पर ये चिंता की रेखाएं अच्छी नहीं लगती हैं। अभद्र रहो, किंतु अपनी चतुराई और प्रेम से अपने अवगुणों को गुणों में बदल देते हो तुम दास, मेरे दास। भगवान के लिए शांत हो जाओ, हमें हमारी बात समझाने को अवसर तो दो। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी शत्रु ने मित्र है, छोड़ दो इसे। देखा चंद्र, मित्र जब थी तब थी, अब शत्रु है। डायमंड की मूर्छा कुछ समय के लिए भंग हुई थी और उन्होंने पुनः मूर्छित होने से पूर्व इसे तुम्हारे विषय में सब कुछ बता दिया, और ये तुम्हारी मित्र सम्राट को तुम्हारे विषय में सब कुछ बताने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने और इंद्र ने दाइमा और शुभ्रा के बंद हुए वार्तालाप को सुन लिया और इसे सम्राट के समक्ष जाने से रोक लिया। शुभ्रा, इस समय मैं तुम्हें केवल यही बता सकता हूँ कि तुम्हारी माँ की दशा का कारण मैं नहीं था, वो मात्र एक दुर्घटना थी, और शेष सभी बातों के लिए कारण है मेरे पास, किंतु अभी मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। मैं एक दिन तुम्हें अवश्य बताऊंगा, किंतु अभी मुझे युद्ध भूमि पुकार रही है, क्षमा करना। ये जीवित है, सिर्फ मूर्छित हुई है। चंद्र, आचार्य की तुम्हें दी गई अद्भुत शिक्षा से मैं कभी कभी भयभीत हो जाता हूँ। उसे महल में छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे इसकी मूर्छा टूटेगी ना, तो ये सारा सत्य उगल देगी। जानता हूँ, इसका भी उपाय है मेरे पास। अब इसे छिपाने के लिए मुझे इसे अपने साथ हवा महल ले जाना होगा। किंतु महल में इस समय सब युद्ध के लिए सज्ज हो रहे हैं, ऐसे में सबकी दृष्टि के समक्ष इसे छुपाना कैसे संभव होगा, वो भी महल के बीच में। जानता हूं, इसका भी उपाय है मेरे पास। चलो। आचार्य, प्रतीत होता है कि मुझे और इंद्र को आपसे अभी बहुत कुछ सीखना शेष है। बस अब आप शीघ्र अति शीघ्र असाका से वापस लौट आएं। युद्ध अभ्यास से कुछ क्षण विश्राम लेकर मगध के इन स्वादिष्ट आंबों का सेवन करने का आपका सुझाव अति उत्तम था आचार्य। महाराज, सच कहो तो आपको मगध के इन स्वादिष्ट आमों को इस चाव से खाते देखना अपने आप में एक आनंद। मेरा हृदय भाव विभोर हो गए, परंतु साथ ही मन दुखी भी हो रहा है, क्योंकि जिन आमों को आप इतने चाव से खा रहे, शीघ्र ही इन्हें उत्पन्न करने वाली धरती कदाचित किसी विदेशी के अधीन हो जाएगी। किंतु धनानंद कोई विदेशी तो नहीं, इसी देश का है।
इस देश के राजाओं के नाम पर कलंक अवश्य है, किंतु बहुत जल्द हम उसे परास्त कर देंगे और तब फिर कदाचित ये आम मसाका के आम के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि तब मगध असाका के अधीन होगा। क्षमा करें महाराज, परंतु आप भूल कर रहे हैं और आपकी इस भूल का मूल्य आपके राज्य असाका को युद्ध भूमि में चुकाना पड़ सकता है। अर्थात? अर्थात ये कि आपके अनुसार कि असाका का केवल एक शत्रु है धनानंद, परंतु वास्तविकता कुछ और है महाराज। सत्य तो यह है कि असाका का एक नहीं दो शत्रु हैं, जो धनानंद से कहीं अधिक बड़ा कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक विदेशी मैसेडोनिया का सम्राट सेल्यूकस निकाटोर, जो पश्चिम दिशा से असाका राज्य की ओर एक विशाल सेना लेकर बढ़ रहा है। एक ऐसी सेना जिसके युद्ध कौशल और शस्त्रों के विषय में आपको कोई भी अनुमान नहीं है। हाँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं, धनानंद और सेल्यूकस के बीच संधि हो चुकी है और इसी संधि के चलते धनानंद की मगध की सेना के साथ साथ यवन सेना भी असाका राज्य पर दो विपरीत दिशाओं से आक्रमण करने वाली है। मैं जानता हूं महाराज, आप एक वीर योद्धा हैं और आपके राज्य असाका में भी वीर योद्धाओं की कोई कमी नहीं है, परंतु ये बात आप भी भलीभांति जानते हैं कि यदि दो विपरीत दिशाओं से आक्रमण हुआ तो ऐसे आक्रमण के लिए असाका की सेना सज्ज नहीं। अब यदि आप अपने राज्य को, अपनी सेना को धनानंद और सेल्यूकस के इस प्रकोप से बचाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको उस राजकुमार से संधि करनी होगी जो इस युद्ध में आपकी विजय सुनिश्चित करेगा। किस राजकुमार की बात कर रहे हैं आप आचार्य? वो जो इस युद्ध में पीपलीवन के क्षत्रियों का नेतृत्व धनानंद के विरुद्ध करेगा। पीपलीवन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। अरे ये राजकुमारी जी की प्रिय कालीन अभी तक सज्ज क्यों नहीं की गई है? क्षमा करें, हम अभी इसे बांध देते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, राजकुमारी जी की प्रसन्नता का ध्यान मैं स्वयं रख लूंगा। तुम जाओ और अन्य व्यवस्थाएं देखो, जाओ। शीघ्र कर, हम इस कालीन को उस रथ पर चढ़ाना होगा जिसमें धुरधरा की अन्य वस्तुएं ले जाई जाएंगी, तभी हम बिना किसी की दृष्टि में आए शिप्रा को हवा में ले जा पाएंगे। दास, जी राजकुमारी जी, हमें निकलना चाहिए, बग्घी और रथ सज्ज हो चुकी है, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो जल्दी। जी राजकुमारी जी, मैं अभी आपकी प्रिय कालीन को बंधवा कर आता हूँ, आप चलिए ना। मुझे भान नहीं था, परंतु अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी चिंता है दास, इसीलिए मेरे प्रिय वस्तुओं को मेरे लिए सज्ज कर रहे हो तुम। इंद्र, तुम शीघ्र जाकर पिपलीवन की सेना को यह संदेश दो कि मुझे आने में थोड़ा विलंब होगा, किंतु वो युद्ध के लिए सज्ज है। उन्हें ये संदेश अवश्य दे देना कि मगध की सेना पूर्वी दिशा से पहाड़ी मार्ग लेते हुए असाका पर कूच करने की योजना बनाई है। मैं यहाँ स्थिति को संभालने के पश्चात दूसरे पहर के अंतरे से पूर्व वहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है चंद्र, किंतु चंद्र विलंब मत करना, सब कुछ वहां तुम्हारे समय से पहुंचने पर ही निर्भर करता है। हाँ मैं जानता हूँ कि तू अब शीघ्र जाओ। अब बस किसी प्रकार हमें इस कालीन को उस रथ में चढ़ाना होगा जिसमें दुर्दरा का सामान ले जाया जा रहा है। पिपलीवन का राजकुमार अर्थात महाराज चंद्रवर्धन और महारानी मूरा का पुत्र जीवित है? जी महाराज, वो जीवित है और वही है जो इस युद्ध में धनानंद को उसके सिंहासन से उखाड़ कर फेंक देगा और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करेगा। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूँ
कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा दनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा। उसे ही चुना है मैंने अखंड भारत का भावी सम्राट बनने के लिए। तो अब सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। आप और चंद्रगुप्त मगध को अपने अधीन करने की मंशा रखते हैं। एक ब्राह्मण को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है और एक राजकुमार को अपने राज्य और परिवार का प्रतिशोध लेना है, यही ना? क्षमा करें महाराज, परंतु ना तो मेरी सोच इतनी तुच्छ है और ना ही मेरा स्वप्न इतना छोटा, परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये सोच ही वो कारण है जिससे हम भारतीय प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो पाते। हम भारतीय केवल अपने व्यक्तिगत हित अहित के विषय में सोचने में ही व्यस्त रहते, परिणाम देश का पतन। परंतु यहाँ बात मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा या चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत प्रतिकार की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है देश की, देश के भविष्य की। आपको क्या लगता है कि सेल्यूकस और धनानंद केवल असाका जनपद पर ही अपना आधिपत्य जमा कर संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं महाराज, आपके पश्चात वो भारत के अन्य सभी जनपदों पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहेंगे। और यदि इन्हें अभी इसी समय नहीं रोका गया असाका नरेश, तो वो दिन दूर नहीं जब समूचा भारतवर्ष उस धूर्त विदेशी सेल्यूकस और नृशंस धनानंद के आधिपत्य में होगा, उनकी मुट्ठी में होगा। आज जो प्रस्ताव मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ वो आपसे मुझसे कहीं अधिक बड़ा है, कहीं अधिक गहन है। देश के भविष्य के लिए हमारी ये संधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप और मैं अपने लाभ और लोभ के चलते इस संधि पर नहीं पहुंच पाए तो आने वाला इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज। आपकी मंशा पर संदेह करने के लिए क्षमा चाहता हूं आचार्य। आज यदि यह संधि हो भी जाए तो क्या हम कुछ करने की स्थिति में है? मुझे लगता है कि आचार्य बहुत विलंब हो गया है। मगध और यमन की सेना किसी भी क्षण असका की ओर कूच कर सकती है। ऐसे में इतनी विशाल काय सेना को रोकना असंभव है आचार्य। यदि मंशा में विकार ना हो महाराज तो मार्ग स्वयं खुल जाता है। ऐसा ही एक मार्ग यहां भी है जिसकी योजना पहले ही फलीभूत की जा चुकी है। आपको केवल एक कार्य करना होगा, उत्तर दिशा से आ रही अपनी सेना को पश्चिम दिशा की ओर मोड़ना होगा, क्योंकि उसी दिशा से सेल्यूकस असाका राज्य पर आक्रमण करने वाला है। आप धनानंद की ओर से निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं और चंद्रगुप्त उसे यहां तक नहीं पहुंचने देंगे। आपकी सेना को किसी भी मूल्य पर सेल्यूकस को परास्त करना होगा। आपसे पराजित होने के पश्चात उसके पास तक्षशिला पलायन के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाएगा, और तब असाका राज्य और पीपलीवन के क्षत्रियों की सेना मिलकर धनानंद को पराजित करेंगे। चक्की के दो पाटों के बीच में पिसता रह जाएगा मगधपति धनानंद। परंतु आप मेरी इस योजना में सम्मिलित हैं या नहीं, इसका निर्णय आपको अभी इसी क्षण लेना होगा महाराज। कहिए, क्या आप इस योजना में मेरे साथ हैं अथवा नहीं? और सम्राट दोनों ही असाका पर कूच के लिए सज्ज है। मुझे भी शीघ्र ही अपनी सेना तक पहुंचना होगा। धूल, जैसे हम हवा महल पहुंचेंगे मैं धुरधरा को चकमा देकर वहां से भाग जाऊंगा और अपनी क्षत्रिय सेना तक पहुंच जाऊंगा। शुभ्रा,
वो तो पहले ही जा चुकी है। पहले निकल चुकी? क्यों? आपके पहुंचने से पहले ही आपके कक्ष को व्यवस्थित करने, ताकि आपके हवा महल पहुंचने पर आपको कोई कष्ट ना हो। देखा भाई, जब तक मेरे साथ शिप्रा जैसी सखी और चंद्रगुप्त जैसा दास हो, आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर भी युद्ध में मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि ज्येष्ठ गोवी शंका भी तुम्हारे साथ प्रस्थान करेंगे। किंतु भाई, गोवी भैया को हमारे साथ हवा महल आने की क्या आवश्यकता है? हाँ सम्राट, उन्हें क्यों कह दे रहे हैं आप? राजकुमारी जी का ध्यान रखने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। कदाचित तुम ज्येष्ठ गोवी शंका को उनकी धीमी गति और विशाल काया से आंक रहे हो दास, किंतु तुम ये नहीं जानते कि भले ही ज्येष्ठ गोवी शंका तुम्हारे मित्र की भांति धीमे हो, किंतु उनकी बुद्धि कटार सी तीखी है। वो किसी संकट को शीघ्र अतिशीघ्र भांप लेते हैं। और मुझे अपनी बहन की सुरक्षा के लिए ऐसा ही कोई चाहिए। ये कालीन इस बग्गी में क्या कर? मुझे इसे देखकर विचित्र सा अभाव हो रहा है। आवश्यकता से अधिक भारी प्रतीत होती है ये कालीन। गोवी शंका को तो अभी से ही शंका होने लगी, ये कहां फंस गया चंद्र? गोवी भैया, मैं जानती हूँ कि हमारी कभी नहीं बनी, किंतु आज मैं आपके साथ अपनी मित्रता का एक नया अध्याय आरंभ करूंगी। किंतु मेरी एक शर्त कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे वो मेरी कालीन क्यों ना हो। ये मेरी कालीन मेरे लिए बहुत प्रिय है और ये मेरे साथ हवा महल अवश्य जाएगी, चाहे वो कितनी ही भारी क्यों ना हो। अब सम्राट की लाडली बहन को मैं कैसे टोक सकता हूं? आपको रुष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है जेस, दुर्धरा आपकी भी बहन है। और अब मेरे प्रिय दास के साथ साथ दुर्धरा की सुरक्षा का दायित्व आपका भी है, और आप आनंद से रहे, आपकी भोजन की आवश्यकताएं पूर्ण होती रहे, इसलिए मैं अपना सबसे कुशल रसोईया आपके साथ भेज रहा हूं। मेरी प्यारी बहन, अपना ध्यान रखना, और दास सदैव सचेत रहना, मेरी बहन पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। अवश्य सम्राट। ढेर सारी स्मृतियां जुड़ी है मेरी और शिप्रा की हवा महल से। मैं शिप्रा से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूं। हवा महल, जहां मन चाहे खड़े हो जाओ, शीतल हवाएं आपका स्वागत करती हैं।
पता है मैंने और शिप्रा ने कई दोपहर यहाँ बैठे बैठे मयूर और अन्य पक्षियों की अटखीलियाँ देखी है। यहाँ के उपवन में उन्हें नाचते और चहचहाते हुए देखा है। वैसे शिप्रा है कहाँ? राजकुमारी जी, वो शिप्रा आपके लिए सुंदर और सुगंधित पुष्प लेने गई है ताकि वो आपके कक्ष में उन्हें सजा सके। अरे मैं तो भूल ही गया था कि मुझे भी कुछ लाना था, मैं बस अभी आया। अरे तुम जाओ जाओ, तुम काम करो। दास एक क्षण। एक क्षण रुको दास, मेरा भी कुछ काम है, वो भी कर दो। चंद्रगुप्त राजकुमारी दुर्द्रा को लेकर हवा महल के लिए निकल चुका है और उसने कहा है कि निश्चित रूप से दूसरा पैर होते ही यहाँ पहुंच जाएगा। मगध की सेना भी शीघ्र ही प्रस्थान करेगी और इससे पहले असाका पर कूच करने के लिए धनानंद की सेना सेल्यूकस की सेना के साथ जुड़ जाए। हमें धनानंद की सेना को रोकना होगा और इसके लिए हमारे पास अधिक समय नहीं होगा, और यदि ये दो सेनाएं जुड़ गई तो धनानंद को हराना असंभव हो जाएगा। और बिना राजकुमार चंद्रगुप्त के नेतृत्व के हमारी सेना का मनोबल टूट जाएगा महारानी। यदि चंद्र ने कहा है कि वो लौटेगा तो वो अवश्य लौटेगा, चाहे मार्ग में कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना। अपने राजकुमार और अपने लक्ष्य में विश्वास रखो, वो लक्ष्य जो शीघ्र पूरा होगा। आशा है कि तुम शीघ्र लौटोगे चंद्र। हाँ हाँ अवश्य, किंतु शीघ्र बताइएगा, मुझे कहीं और भी जाना है। धीरज रखो दास, धीरज। पहले मुझे 4 किलो मिठाई चाहिए और मेरे कक्ष में 20 रुई के तकिए लगवा देना और मेरे बालों के लिए ये जड़ी बूटियाँ लिखी हैं उचित तौल और मात्रा में मेरे कक्ष में रखवा देना, और भोजन के पश्चात पाचन के लिए मुझे जिस पदार्थ की जरूरत है वो भी लिखा है। और हाँ, शीतल गर्म और मध्यम ताप जल के 3 पात्र मेरे स्नान घर में रखवा देना, और मेरे सोने की दाई तरफ 1 पीकदान और बाई तरफ पान की 1 थाली हो। हे भगवान, गोवी भैया के काम करते हुए तो दास इतना थक जाएगा कि उसके पास मेरे लिए ना तो समय शेष रहेगा ना शक्ति। और हाँ, मेरे मनोरंजन के लिए 4 संगीतकार और दिन में 4 बार मालिश करने वाला 1 मालिश वाला भी चाहिए। इतने से काम चल जाएगा, कर लोगे ना ये? हाँ, किंतु समस्या ये है कि मैं भी इतना सा ही हूँ और इतने सारे काम करने में तो मुझे कई सारे पहर लग जाएंगे। तो क्या हुआ दास, तुम्हें कोई और काम भी है? हाँ कवि भैया। क्या आपका कार्य करने से पूर्व दास मेरा एक छोटा सा काम कर सकता है? विनती है आपसे मेरी। अवश्य। धन्यवाद। चलो दास, मैं तुम्हें काम बताती हूँ, चलो चलो। पता नहीं अब क्या करेगी ये सरफिरी राजकुमारी। आचार्य जी, मैं आपका सुझाव मानकर अपनी सारी सेना को उत्तर से पश्चिम की ओर ले जाने में सच हूँ, और साथ ही आपसे ये आशा करता हूँ कि आपकी क्षत्रिय सेना और आपका भावी सम्राट मगध की सेना को सेल्यूकस की सेना से मुर्मुस्पर पहले रोक सके। आप निश्चिंत रहें महाराज, पीपली वन के क्षत्रिय और राजकुमार चंद्रगुप्त इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि यदि धनानंद को आज नहीं रोका गया तो आने वाले समय में भारत का इतिहास बदल जाएगा, और ऐसा वो होने नहीं देंगे। दास, तुम गोवी भैया को नहीं जानते, पता है उनसे तंग आकर कहीं दास महल छोड़कर भाग गए हैं, और दुर्भाग्यवश उन्होंने इस बार तुम्हें चुन लिया है। अब वो एक
स्टंट के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। किंतु मैंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। धन्यवाद राजकुमार जी, आपने मेरी असहजता को भांप लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन गोवी भैया के साथ एक क्षण भी नहीं रहना चाहता था। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, तभी तो मैं ये कर रही हूँ। क्या हुआ राजकुमारी जी? दास, मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आना। हाँ, अभी लेकर आया। राजकुमारी जी, जाने दीजिए मुझे। दरवाजा खोलिए। मैं गोवी भैया के कारण तुम्हें अपने आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी दास। अब मैं पिपलीवन के क्षत्रियों तक कैसे पहुंचूंगा? दूसरे पहर का अंत होने को है और हमें युद्ध के लिए शीघ्र निकलना, परंतु राजकुमार चंद्रगुप्त का कुछ पता नहीं। किसी भी युद्ध में समय का महत्व सर्वाधिक होता है चंद्रगुप्त। यदि हम समय के साथ ना रहे तो समय शत्रु के साथ हो जाता है। विजय तभी प्राप्त होती है जब समय हमारे साथ रहे, अन्यथा आने वाले विध्वंस से इस देश को कोई नहीं बचा पाएगा। सावधान! मगध की प्रजा को सूचित किया जाता है, सम्राट धनानंद के नेतृत्व में मगध की सेना युद्ध के लिए कुछ कर रही है। जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता तब तक मगध की सारी प्रजा को युद्ध के औपचारिक नियमों का पालन करना होगा, जो इस समय सारे मगध में लागू हो चुका है। सारे अधिकार सेना और सम्राट के पास रहेंगे और प्रजा को हर आदेश पर सहायता के लिए सज्ज रहना होगा। हमारे मगध की सेना इतनी विशाल है कि हमारे समक्ष कोई भी शत्रु चींटी के समान लगता है, और इस बार अपना मनोबल और भी अधिक उजागर कीजिए, क्योंकि इस युद्ध का नेतृत्व स्वयं हमारे सम्राट धनानंद करने वाले हैं। क्या हम सच हैं? युद्ध में सतर्क रहने की आवश्यकता है। ढाल ऊपर और तलवारें सीधी, जाओ और सज हो जाओ। धनानंद, तुम्हारे नाश के लिए। सम्राट धनानंद की जय! 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 मित्र सिल्यूकस, क्षमा करना। जैसे ही भारत के प्रमुख 15 जनपद मगध के अधीन होंगे, धनानंद को ना तुम्हारी आवश्यकता होगी और ना ही तुम्हारी मित्रता की। मेरे जाबाज सिपाहियों, आज हम भारत का पहला सूबा असाका पर फतेह करेंगे और बहुत जल्द पूरा भारत मैसेडोनिया के कदमों तले होगा और हमारी सरपरस्ती में होगी ये सोने की चिड़िया।
भारत जलगार हो। हे भगवान, कहीं मैं उस मूर्ख राजकुमार से टकरा ना जाऊं। रक्षा करना। चंद्र, कहां हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं चंद्र। अब क्या बताऊं? खैर, तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय गोविशंगा के पास होना चाहिए था और मुझे शीघ्र ही पिपलीवन की सेना के पास पहुंचना होगा। रुको चंद्र, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। कैसी समस्या? कैसी समस्या? गोविशंका। वो गोविशंका शंकाओं की खान है और उसकी शंका की सुई अब उस जाकर कालीन पे अटक गई है। मैं कब से उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे 100 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला चुका हूँ, किंतु नहीं, उसका ध्यान भटकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बार बार उस कालीन के विषय में प्रश्न किए जा रहा है। और चंद, यदि अब हमने उस कालीन को उसकी दृष्टि से दूर नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारा कथन चाहिए, किंतु इस समय मेरा युद्ध भूमि में होना अत्यंत आवश्यक है। और यदि शिप्रा की मूर्छा भंग हो गई और उसने सारा सत्य धुरधरा और उस गोविशंका के सामने उगल दिया तो कदाचित युद्ध नहीं होगा, केवल सर्वनाश होगा। ठीक है, पहले हम इस समस्या का समाधान करते हैं, किंतु यह हमें शीघ्र ही करना होगा क्योंकि वह माँ और क्षत्रिय सेना मेरे नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही है। समय बीतता जा रहा है सेनापति मत्सलदेव। धनानंद और सेलुकस अपनी अपनी सेनाओं के साथ कूच कर चुके हैं और इससे पूर्व धनानंद सेलुकस से मिल जाए और उनकी शक्ति की चक्की में हम पीसे जाए, हमें उन्हें रोकना होगा, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा सेनापति। हम राजकुमार की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, आपको नेतृत्व करना होगा। आप इससे पहले भी अनेकों युद्धों में सेना का नेतृत्व कर चुके हैं। किया है अग्निमुख, किंतु यह युद्ध भिन्न है। ये केवल पीपली वन के लिए नहीं, समूचे भारत के लिए और मेरे अनुभव से अर्जित दृष्टिकोण केवल पीपली वन के सेनापति का दृष्टिकोण है। हमें इस समय एक मौर्य के दृष्टिकोण, एक मौर्य के नेतृत्व की आवश्यकता है जिसकी धमनियों में राजसी लहू बहता हो। मैं करूंगी अपनी सेना का नेतृत्व। यदि मौर्य की आवश्यकता है तो वो मौर्य महारानी मूरा क्यों नहीं? धनानंद की सेना जिस मार्ग से आगे बढ़ रही है उसकी जानकारी हमें पहले ही चंद्रगुप्त ने दे दी। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की अनुपस्थिति में मैं करूंगी अपनी सेना का नेतृत्व। आपकी आज्ञा सर माथे पर महारानी, किंतु युद्ध में सेना का नेतृत्व करने के लिए युद्ध नीति में दक्षता और शस्त्रों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। यदि 5 दांव के भीतर तुमने मुझे निशस्त्र कर दिया तो फिर मैं मान लूंगी कि मैं अपने सेना को नेतृत्व करने के योग्य नहीं। एक, दो, तीन। क्षमा करें महारानी मूरा, हम सभी का नेतृत्व करने के लिए पूर्णतः पारंगत हैं। महारानी मूरा की जय! 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 महारानी मूरा की जय!
वन के महान क्षत्रियों, आज हम सब यहाँ एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे हमारे वीर महाराज चंद्रवर्धन के लिए, हमारे राजकुमार के लिए। हम सब आगे बढ़ेंगे अपने अतीत के गौरव को पुनः पाने के लिए, एक स्वर्णिम भविष्य के लिए। किंतु इन सब से अधिक ये सेना आगे बढ़ेगी एक अखंड भारत के लिए। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। देश, ये अब तक के आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम समय है जिसका आप आनंद उठा रहे हो। मगधपति सम्राट धनानंद के साथ एक साथ जुट होकर युद्ध करने का अवसर पाकर। किंतु ये केवल आनंद उठाने का समय नहीं है, अपितु दायित्व उठाने का समय भी है। आप स्वयं को प्रमाणित करो, अपनी प्रमाण गाथा लिखकर, युद्ध भूमि में अपना रक्त बहाकर, ना केवल अपना अपितु अपने शत्रुओं का भी। निसंदेह सम्राट, रुको। सम्राट, इतनी विशाल सेना भला इस संकरे मार्ग से कैसे निकलेगी? युद्ध है ज्येष्ठ, नित नई समस्याएं आती रहेंगी। मुझे समस्या नहीं सुझाव चाहिए, कहिए क्या करना चाहिए हमें? सम्राट, क्यों ना हम हमारी सेना को दो भागों में विभाजित कर दें? सम्राट के नेतृत्व में एक सेना का एक विशाल भाग समतल मार्ग से आगे बढ़ सकता है और शेष सेना हमारे साथ इस संकर मार्ग से आगे बढ़ेगी। उपयुक्त विचार है ये। विजय हमारी होगी, सैन्य विभत्स, आगे बढ़ो। भैरव गति बढ़ाओ, हमें शीघ्र मगध पहुंचना। क्या बात है आचार्य, आप इतने विचलित क्यों हैं? चंद्रगुप्त अब तक क्षत्रिय सेना से मिल गया होगा और फिर असाका राज भी धनानंद के विरुद्ध हमारे साथ हैं। निसंदेह, परंतु मुझे शंका हो रही है कि धनानंद कोई धूर्त और अशुभ योजना बना रहा है। चंद्रगुप्त को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हमें यह पहर समाप्त होने से पूर्व ही मगध पहुंचना होगा। गति बढ़ाओ। महामात्य, हमारे सारे दाव सही पड़ रहे हैं। आशा है कि हमारे आगे के दाव भी सही पड़े और हम उन उद्दंड क्षत्रियों को चकमा दे सके। सब कुछ आपके इच्छा अनुसार घटित होगा मां महिम, नहीं संदेह। उत्तम। अब देखना यह है कि जो बीज मैंने डाला है वो फलता है या नहीं। साधो,